हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं फिर से ग्लोबल यामाहा। जी हाँ, अभी नई ही बाइक ली है और एक और बार शोरूम जाने का हो गया है। तो ये डरिए मत, क्योंकि बाइक को कुछ नहीं हुआ है। मैं बाइक में अभी क्विक शिफ्टर लगाने वाला हूँ, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट ये कलर में नहीं आता है, इसलिए हम आज इसमें एड ऑन करवाएंगे क्विक शिफ्टर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो एक क्विक शिफ्टर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही, अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स बाइक जो आते हैं, जो हैवी सीसी के होते हैं, उसमें आती थी। लेकिन यामाहा ने पहली बार 155 सीसी, जो ये हमारा नया R15 वर्जन 4 है, उसमें लॉन्च की हुई है। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें, इसके लिए आज बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो आज हम जाएंगे, क्विक शिफ्टर कैसे इंस्टॉल होता है वो भी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। तो बहुत ही डिटेल वीडियो है। अगर आपके पास यामाहा R15 वर्जन 4 है, ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है या फिर रेसिंग ब्लू है, तो आप तीनों में एड ऑन करवा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसके, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। ये क्विक शिफ्टर चीज़ ही ऐसी है ना कि बहुत ही मज़ा आता है। तो कैसे क्विक शिफ्टर को यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वैसे ही आप क्विक शिफ्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो। सर्टेन RPM होते हैं, वहीं पर ही आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे यामाहा में आपको क्विक शिफ्टर ज़रूर मिल रहा है, लेकिन वो अपसाइड, मतलब कि अगर आप जब गियर बढ़ा रहे हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो, जब आप गियर डाउन करते हो मतलब कि कम करते हो तब आप ये क्विक शिफ्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कुछ वैसा फैसिलिटी कंपनी ने दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्विक शिफ्टर एड ऑन करवा रहे हैं, फिर उसको सिस्टम के साथ कुछ अपडेट भी लेना होता है, वो अपडेट भी हो जाएगा। बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, तो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, तो पूरा दिखाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल करके क्विक शिफ्टर इस तरह से यूज होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तों, और पिछले वाले वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्लीज इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए मेरे वीडियो पे। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट में लाने वाला हूँ। इस यामाहा में मैं मॉडिफिकेशन करवाने का शुरुआत अभी हमारा हो चुका है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही छोटी मोटी ट्रिप भी होने वाली है और लंबी राइड भी होने वाली है। तो वीडियो को देखते रहिए। तो अभी फटाफट से यामाहा के शोरूम पहुँचते हैं और क्विक शिफ्टर लगाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अभी। और यहाँ पे हमारी R15 जो नई हमने ली हुई है रेसिंग ब्लू कलर, उसमें अभी क्विक शिफ्टर इंस्टॉल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में रेसिंग ब्लू कलर में क्विक शिफ्टर नहीं आता है, लेकिन आप इसमें अलग से एड ऑन करवा सकते हो। तो क्या नाम है आपका? अरुण भाई, हमारी बाइक में आज क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पर जो पूरा बॉडी है वो ओपन होगा, बाद में हमारा ये जो ये बॉक्स आया हुआ है यामाहा में से, उसमें हमारा क्विक शिफ्टर है। तो कुछ इस तरह से आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। आप बोलो ना, तो कुछ इस तरह से जो हमारा गियर लीवर होता है उसको यहीं से चेंज हो जाता है, और ये पूरा सिस्टम यहाँ पे लगेगा हमारा यहाँ पे। तो जो हमारा आगे का फुटपैक है उसमें से ये पूरा डिसमेंटल हो रहा है, बाद में ये क्विक शिफ्टर इंस्टॉल होगा। We'll be right back.
ऑलमोस्ट हमारा क्विक शिफ्टर लग चुका है यहाँ पे, खाली एक सॉकेट लगाना बाकी है और बाद में रेडी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा नया एक्सपीरियंस रहेगा पूरा। ये जो सुपर बाइक्स आती है उसमें इस तरह का सिस्टम आता है, लेकिन यहाँ पे यामाहा ने R15 वर्जन 4 में पहली बार ये दिया हुआ है, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से अरुण भाई ने लगाया हुआ है, पूरा असेंबली किया हुआ है। तो हमारे अभी क्विक शिफ्टर को यहाँ पे इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल किया जा रहा है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड पे रखना है, बाद में हमको यहाँ से की से ऑन करना है बाइक को। अरुण भाई ऑन करेंगे 10 सेकंड, वापस पकड़ के लाइट। तो जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारा क्विक शिफ्टर लग चुका है अभी, तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तभी थोड़ा हाईवे पे चले जाते हैं, बाद में हम लोग इसका बढ़िया अच्छी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रैफिक वगैरह होगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको। तो चलिए अभी जल्दी से हाईवे पर मिलते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्विक शिफ्टर को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मीटर में दिखा रहा होगा QS, मतलब क्विक शिफ्टर अभी एक्टिवेट है। तो अब देखिए अभी मेरा हाथ एक्सीलेटर पे है, मैं क्लच को नहीं प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे गियर चेंज, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। देखिए क्लच के बिना आप इस तरह का फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सुनिए, अगर आपको डाउन करना है, गियर डाउन करना है, तो अगर आपके ये R15 वर्जन 4 में क्विक शिफ्टर है तो भी आप क्लच के बिना नहीं कर सकते हो तो जाएगा डाउन, लेकिन आपके गियर बॉक्स पे बर्डन होगा, गियर बॉक्स को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। इसके लिए जब भी गियर डाउन करो तब क्लच को प्रेस करना ज़रूरी है। आप लोग समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। चलिए तो एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा मैं बाइक को स्लो कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे QS नहीं दिखा रहा है, मतलब कि क्विक शिफ्टर एक्टिवेट नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पे चालू किया और यहाँ पे दूसरे गियर में जाने के बाद अगर हमारा RPM 3500 के आसपास आ रहा है तभी क्विक शिफ्टर ये ऑन हो रहा है। देखिए चलो क्विक शिफ्टर अभी ऑन है। ऐसा नहीं है कि स्पीड के टैकोमीटर में जो हमारा RPM दिखा रहा है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है, वो जो गियर है उसमें जो सर्टेन स्पीड आता है तब भी ये क्विक शिफ्टर ऑन दिखा रहा है। अभी क्विक शिफ्टर ऑन है तो अभी मैं गियर लगाऊंगा। देखिए गियर चेंज हो गया, अभी एक्टिवेट है, लगा दिया। चौथा अभी एक्टिव है, 5 अभी एक्टिव है, 6। तो 6 नंबर पे आके वो हट जाएगा क्योंकि उसके आगे गियर नहीं है हमारे। तो क्विक शिफ्टर इस तरह से आपको यूज़ करना है, और जब भी डाउन करना है तो क्लच का यूज़ करना है। क्विक शिफ्टर है लेकिन इसमें अपसाइड ही क्विक शिफ्टर है, तो जब भी आप गियर बढ़ा रहे हो तब भी आप ये क्विक शिफ्टर यूज़ कर सकते हो, डाउन कर रहे हो तभी क्विक शिफ्टर नहीं यूज़ कर सकते हो आप। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स बाइक आती है उसमें दोनों तरफ क्विक शिफ्टर रहता है, अप और डाउन, तभी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें अप साइड ही है तो उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और वीडियो का एंगल भी कैसा आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये एंगल सेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बाइक चलाते हुए, और काफ़ी अच्छा है ये बाइक। मुझे ऐसे वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये, और क्विक शिफ्टर लगा के तो और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।
आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही मैं मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपने जो पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, जितने लोगों ने दिया है उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप जो भी मतलब जो कंटेंट चाहते हो कि ऐसा कीजिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस तरह के मैं वीडियो बनाऊँ आप सभी लोगों के लिए। तो अभी हमने जो स्पोर्ट्स बाइक भी ले ली है, क्लासिक भी है हमारे पास 500, तो धमाका करने वाले हैं मार्केट में हम लोग। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब को फाड़ दीजिए आप लोग, प्लीज़ इतने सारे सब्सक्राइबर की लाइन लगा दीजिए कि यूट्यूब हैंग हो जाए। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब आ गया।